और मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दो सगे भाइयों का पहले अपहरण किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के चित्रकूट से 12 फरवरी को अगवा किए गए दो जुड़वा भाइयों श्रेयांश और प्रियांश की हत्या कर दी गई। दोनों के शव उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी में मिले। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम मिलने के बावजूद बच्चों की हत्या कर दी। बच्चों को स्कूल बस से अगवा किया गया था। पुलिस ने आरोपियों पर 50,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए 12 टीमें गठित की गई थी। इसके बावजूद पुलिस बच्चों को बचा नहीं पाई। बच्चों की मौत की खबर से चित्रकूट के लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हमारा कहना यह है कि इनको जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा हो, सरकार क्या करेगी इस विषय में। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मामले की CBI जांच की मांग की। जो भी है लटकाओ फांसी के फंदे। हम लोग मौन जुलूस भी निकालेंगे। पूरे प्रदेश में आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है। चित्रकूट डरा हुआ है और अब तो मध्य प्रदेश डरा हुआ है। शिवराज ने कानून व्यवस्था को लेकर CM कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि BJP पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।